हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीयू की तरफ से की गई अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें एमसीयू की अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट को एक बार फिर डिले कर दिया गया है, जिसमें नाम फिल्म ब्लैक विडो का भी है। और कौन कौन सी फिल्मों की रिलीज डेट को डिले किया गया है और क्या है ये पूरा अपडेट, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में पहला नाम फिल्म ब्लैक विडो का आता है, जिसको लेके मैंने आपको अपडेट दिया था कि फिल्म की रिलीज डेट को डिले किया जा सकता है। और अब एमसीयू की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है फिल्म की न्यू रिलीज डेट की, जो पहले थी 6 नवंबर और अब फिल्म ब्लैक विडो नेक्स्ट ईयर 7 मई को रिलीज होगी। जो रिलीज डेट पहले शैंग-चिंग की थी, क्योंकि फिल्म शैंग-चिंग के रिलीज डेट में भी चेंजेस किए गए हैं, जो अब 9 जुलाई को रिलीज होगी। और इन सब के बीच बात करूं फिल्म इटर्नल्स की, जिसको 12 फेब की रिलीज डेट दी गई थी, पर फिल्म इटर्नल्स की रिलीज डेट में भी चेंजेस किए गए हैं, जो अब 5 नवंबर को रिलीज होगी। और इटर्नल्स की रिलीज डेट पर द किंग्समैन रिलीज होगी, जो है 12 फेब 2021 की। तो फ्रेंड्स, ये थी एमसीयू की तीन बड़ी फिल्में जिनकी रिलीज डेट को डिले कर न्यू रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं बाकी फिल्मों की रिलीज डेट के बारे में, जो एमसीयू की तो नहीं है पर इन फिल्मों की रिलीज डेट में भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पहला नाम आता है केनेथ बर्नाक की फिल्म डेथ ऑन द नाइल का, जो 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, पर फिल्म की रिलीज डेट को डिले कर इसे 18 दिसंबर का कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले ही वंडर वुमन 1984 की रिलीज डेट में चेंजेस किए गए थे, जिसके बाद अब वंडर वुमन 1984 25 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं बात करूं डिज्नी की, तो डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म सोल अभी भी 20 नवंबर को ही रिलीज होगी। और ऐसे ही फिल्म नो टाइम टू डाई भी नवंबर में ही रिलीज होगी, फिल्म की रिलीज डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। वहीं क्रूड्स 2 अ न्यू एज भी 23 दिसंबर को ही रिलीज होगी। और डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी, जो इसी साल 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, पर फिल्म की रिलीज डेट को करीब एक साल तक के लिए डिले कर दिया गया है और अब ये फिल्म 10 दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अपकमिंग फिल्म्स जिनकी रिलीज डेट में चेंजेस किए गए हैं। और कुछ फिल्मों की रिलीज डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो अभी भी अपनी सेट रिलीज डेट पर ही रिलीज होंगी। और एमसीयू की तीन बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट को एक बार फिर डिले कर दिया गया है। तो इस अपडेट को लेके आपकी क्या राय है, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।